प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप लोग इतना जोर जोर के हंस क्यों रहे हो? रोशन तू टड्डन बुड्ढू छे बुड्ढू। बुड्ढू हूँ, दीवाना हूँ, मस्ताना हूँ, पर जो भी हूँ सोनिया तेरा हूँ। पर आप लोग हंस क्यों रहे हो? सोनी भाई, आप इतना भी नहीं समझे, हम सब आपके साथ मजाक कर रहे थे। मजाक? हाँ मजाक। सोनी, तुझे सबक सिखाने के लिए हम सब ने मजाक किया था। तुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए हम सबने मिलकर ये नाटक किया था। अरे दौड़ी, तेरे पेट में कोई कांच वाज नहीं है। क्या? मेरे पेट में कांच नहीं? मेरे पेट में कांच नहीं है? नहीं। और अब तेरा शुक्र है। पर वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर निराली, वो सीटी स्कैन, वो सब क्या था? सांप झूठ था। झूठ? हाँ, जब तुम और बड़े मास्टर सिटी स्कैन कराने हॉस्पिटल गए, तब एक डॉक्टर होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते, मेरा ये फर्ज था कि मैं रोशन भाभी को सब कुछ सच सच बता दूं। और मैंने उन्हें घर बुलाया और सब कुछ सच सच बता दिया। कुडाई जी, भाई गुरु जी, मेरे रोशन के पेट में कांच। डॉक्टर हाथी, कुछ भी कीजिए, मेरे रोशन के पेट से कांच निकलवाइए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। शांत हो जाओ रोशन भाभी, सोनी भाई को कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी मुझे डॉक्टर निराली का सिटी स्कैन सेंटर से फोन आया। उसने बताया कि उसने स्कैन कर लिया है, लेकिन स्कैन तो बिल्कुल क्लियर है। तुम्हारे पेट में तो कांच है ही नहीं। मुझे शॉक लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था तुमने कांच निकल लिया है, पर सिटी स्कैन रिपोर्ट में कांच था ही नहीं। और फिर मैंने बल्लू भाई को फोन किया, पिल्ले तो मैंने उसको बहुत डांटा। ऊपर जाइए जी, सॉरी, वो अमरजीत कनाडा जा रहा है ना, तो वो पार्टी शार्टी के लिए तुमको मैं बाद में और डांटूंगी। तुमको पता है कल तुम लोग ने जो पार्टी की, उसमें रोशन ने जो ग्लास यूज किया था वो टूट गया था, और वो टूटा हुआ कांच उसके पेट में चला गया है। ऐसे में रोशन को कुछ हो गया तो? नहीं परजय जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सोडी के पास ग्लास था वो पहले से टूटा हुआ था। हा? और जब उसने मुझे कहा कि वो कांच का टुकड़ा निकल गया, तो मैंने उसे कहा कि कांच नहीं तू बर्फ निकला है। पर वो नशे में था ना, मेरी एक नहीं सुनी उसने। ओए मेरे गले में क्या अटक गया? तुमने नशे में बर्फ का टुकड़ा निकल लिया था, और तभी तुम्हारा ध्यान टूटे हुए कांच के ग्लास की तरफ गया। तुम्हें लगा तुमने कांच निकल लिया है, यानी मैं बर्फ का टुकड़ा निकल गया था और मुझे लगा मैं कांच निकल गया हूँ। उस वक्त आप पार्टी के मूड में थे ना, इसलिए आपको बर्फ का टुकड़ा भी कांच का टुकड़ा लगा, समझे? लेकिन वो पेट दर्द, वो तो सच में हो रहा था यार। अरे वो तुमने ज्यादा चने खा लिए थे ना, उसकी वजह से। मुझे एक बात बताओ, मुझे सबक सिखाने के प्लान में आप सब लोग कब शामिल हुए? जब बल्लू और डॉक्टर निराली से सच का पता चला, तब रोशन भाभी ने तुम्हें सबक सिखाने का प्लान कर लिया। मैंने भी कह दिया डॉक्टर निराली भी हमें सपोर्ट करेंगी। बस फिर क्या था, डॉक्टर निराली ने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पेट में कांच है,
तब उसने अपने पुराने पेशेंट का सिटी स्कैन का रिपोर्ट दिखा दिया जिसके पेट में कांच था। तुमको ये भी कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम्हें सबक सिखाने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी टप्पू सेना हम सब शामिल हो गए। और सोड़ी तुम जब अस्पताल में कपड़े बदलने गए थे ना तब मुझे डॉक्टर आते ने इस प्लान के बारे में बताया। सोड़ी अंकल कैसा लगा जोर का झटका? बहुत जोरों का। रोशन मुझे जितना दुख तेरे झूठ बोलने का और तेरी पार्टी शार्टी करने का लगा ना उससे बहुत बहुत ज्यादा खुशी इस बात की लगी कि तू मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे मनाने के लिए तू अपने पेट में कांच तक रखने को तैयार हो गया। मेरी जान रोशन। और मेरी रोशन तेरे लिए और तेरे प्यार में मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। थैंक यू पता। अरे सोनिया अब तो माफ कर दे यार। कर दिया। सुधरेगा नहीं हूँ। और सुधरता नहीं हूँ इसलिए तो हमारा प्यार और बढ़ता है। चलो भाई हमारे सोनी की पार्टी हो गई। रोशन भाभी का रुटना भी हो गया और रोशन भाभी की नाराजगी भी दूर हो गई। हाँ। और सोनी भाई कितना प्यार करते आज रोशन भाभी को वो पता भी चल गया है ना। पर एक बात रह गई टप्पू सेना को घुमाने ले जाने की। आ पापा मैं तुम्हारे सोड़ी अंकल ने प्रॉमिस किया है तो सबको घुमाने लेके ही जाऊंगा। कमाल है और टप्पू सेना अब तक आई नहीं और हमको घूमने जाना है। कितने रह गई मेरी प्यारी टप्पू सेना। और टप्पू सोनू गोली पिंकू और गोगी पुत्र ओए आ जाओ घूमने चले। और तुम्हारा रोशन सिंह सोड़ी अंकल अपनी जाने मन जीव के साथ तैयार है। सोड़ी अंकल हम तो कब से तैयार ही थे। हम लोग आप ही का वेट कर रहे थे। सोड़ी अंकल आप हमें रिसोर्ट घुमाने ले जा रहे हो ना। रिसोर्ट नेक्स्ट टाइम। तो अब कहाँ जा रहे हैं? आज जो हमारे घर के पास इतना बड़ा मॉल खुला ना हम वहाँ घूमने जाएंगे। और वहाँ पे जाके फर्स्ट क्लास 3D पिक्चर देखेंगे फिर गेम्स खेलेंगे फिर खाएंगे पिएंगे और खूब ऐश करेंगे। बल्ले 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 बल्ले। तो बहुत मजा आएगा सोड़ी अंकल। हाँ। बिल्कुल और आपका अपना प्यारा रोशन सिंह सोड़ी घुमाने ले जा रहा है तो पूरा धमाल होगा भी। चलो सोड़ी अंकल आप हमें घुमाने ले जा रहे हो इसलिए थैंक यू। और मोस्ट वेलकम टप्पू पुत्र और पूरी टप्पू सेना। थ्री चीयर्स फॉर सोड़ी अंकल। हुरे 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 हुरे। चलो घूमने। आर्टिकल लिख लिया? नहीं भाई। वैसे किस टॉपिक पर लिख रहे हैं आप? इंसानों की बिजी लोगों को डिस्टर्ब करने की आदत। अरे वाह अच्छा टॉपिक है। ए यानी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ? कितनी समझदार हो। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ सोड़ी पे लिख रहा हूँ और सब्जेक्ट है आई कांट से नो। मैं किसी को ना नहीं कह सकता। हाँ वैसे ये बात तो है सोड़ी भाई किसी को ना नहीं कह सकते और इसीलिए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। अरे बुरा फंसा इस बार तो बेचारा। पर पता है आपको सोड़ी भाई अपना वादा निभाते हैं। उन्होंने टप्पू सेना को घुमाने ले जाने का वादा किया था पूरा किया। जिंदा दिल आदमी है अपना सोड़ी एकदम मस्त मौला। और वैसे एक बात है अंजलि ऐसे मस्त मौला लोग ही ना नहीं कह पाते। पर पता है कभी कभी ना ना कहना वो भी एक प्रॉब्लम है। अरे कभी कभी क्या अंजलि प्रॉब्लम तो अक्सर हो जाती है। और सोड़ी के साथ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम हो गई। एक सिंपल सा ना ही तो कहना था। अगर रोशन भाभी को ना कहता तो उनका टेंशन नहीं था। बल्लू को पार्टी के लिए ना कह देता तो फिर ये सब हंगामा होता ही नहीं। और टप्पू सेना को ना कह देता तो फिर बात ही क्या थी। हाँ वैसे थोड़े भोले हैं सोड़ी भाई। काश तुम भी ऐसी भोली होती। वही तो तारक यानी मैं भोली नहीं हूँ। अब मुंह मत खुलवाओ अंजलि। तारक अरे मेरे कहने का मतलब भोली नहीं हो तो चतुर भी नहीं हो अंजलि। क्या
अरे भाई अंजलि, तुम भी अगर सोडी की तरह हो जाओ और किसी बात में ना नहीं कहो मुझे तो कितना बढ़िया रहे। मैं जो कहूँ बना के दे दो, ना कहो ही नहीं तुम। तारक तो सीधी सीधी कहो ना। अच्छा ठीक है, आज आप जो भी डिश बनाने के लिए कहेंगे ना, उसके लिए मैं ना नहीं कहूंगी, बस। Oh, really? Thank you so much, Anjali. Thank you. You're welcome. But by the way, ये ऑफर सिर्फ आज के खाने के लिए है। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि आज का खाना बन चुका है, खिचड़ी। हे भगवान, सोडी ना नहीं कहता इसलिए फंस जाता है, और तुम हाँ नहीं कहती इसलिए मैं फंस जाता हूँ। अब खिचड़ी खाओ। अब पियो ये। अरे जयेश भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपकी और परेश भाई की डिलीवरी एक साथ में करवा दूंगा। नहीं नहीं, आज नहीं, परसों। नहीं नहीं नहीं, परसों नहीं, आज। एक मिनट, क्या परसों नहीं, आज? चालू रखो। क्या परसों नहीं आज? क्या क्या परसों नहीं आज? तुझे मालूम है गोडाउन में माल कितना है? नहीं, किसका गोडाउन, कौन सा माल? तो काम करना अपना। हाँ जयेश भाई, हाँ तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके डिलीवरी करवाता हूँ, लेकिन फिर भी आप परसों पकड़ के चलिए। हाँ प्लीज प्लीज, थोड़ा। हाँ ओके, हाँ ओके, थैंक यू। हाँ नहीं, टप्पू के पापा के साथ बात कर रही थी। क्या क्या गोटली अच्छा है। बाबा फाड़ रख दियो आप। इधर इधर, क्या गोटली? क्या मैंने आपका नया नाम रखा है, गोटली। और तू बोल रही है गोटली अच्छा है? नहीं नहीं, क्या है, मैंने आपके दो नाम बताए, एक तोतापुरी और दूसरा गोटली। मुझे गोटली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा कि गोटली अच्छा है। आपको तोतापुरी पसंद है तो तोतापुरी रखते हैं। वाह, अभी माँ ने नामों का ऑप्शन देना भी चालू कर दिया। वो तो माँ है या माँ वाली। माँ को बोलो हमेशा मेरा ही नाम क्यों रखती है, कभी सुंदर का भी नाम रखा? हाँ तो सुंदर छोटा था ना, तब से माँ उसका नाम रखती आई है। अच्छा, क्या सुंदर क्या क्या नाम रखे? राजा, प्रिंस, कुंवर, महाराजा, हीरो। वाह, सुंदर का नाम क्या, राजा, कुंवर, प्रिंस, और मेरे नाम क्या, गोटली, पॉकेटमार, कन्नी। ये ऐसा भेदभाव क्यों? नहीं नहीं नहीं, माँ के मन में सब भेदभाव जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो तो एकदम निखालस है। ले, क्या है, तभी उसके दिमाग में जो नाम आता है ना, वो बोल देती है। अभी देखे ना, फोन पे बातें करते करते माँ के दिमाग में अचानक आया कि हमें रसपुरी के लिए आज बुलाना है, तो उसने बोल दिया कि आज आप लोग रसपुरी खाने के लिए आइए। तो क्या कहते हैं, चले रसपुरी खाने अहमदाबाद आज? आजकल तो कितनी सगड़ बढ़ गई है। देखिए, प्लेन में जाएंगे, रसपुरी खाकर वापस प्लेन से वापस आ जाएंगे। अच्छा, नहीं माना, हमारा पूरा गड़ा परिवार रसपुरी का शौकीन है। तो फिर, लेकिन बेवकूफ नहीं है हम लोग, वो 200 रुपए की रसपुरी 20,000 में पड़ेगी। अरे हम सिर्फ रसपुरी खाने थोड़ी ना जाएंगे, तो पात्रा, ढोकला, वो भी तो साथ में खाएंगे ना। और फिर वो बांधने की साड़ी का सेल है, आने जाने का पैसा वसूल हो जाएगा, मजा आएगा। ए डोबी, क्या नॉनसेंस जैसे बात कर रही है तू? मैं इतनी डोबी नॉनसेंस नहीं हूँ, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ खेलने जाओ, लेकिन पहले दूध पी लो। अरे 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 मम्मी, रोज रोज क्या दूध पीने का? अरे टप्पू बेटा, रोज रोज क्या खेलने जाने का? चलो बेटा चलो, लो दूध पी लो, चलो। शाबाश, चल चल चल, दूध पी चल। क्या पापा, दादाजी ने मतलब आप दादागिरी करोगे? टप्पू बातें कब, दूध पी लो, चलो फटाफट फटाफट बेटा। एक मिनट, ये क्या बोल रहा है, दादाजी ने मतलब कहाँ गए बाबूजी? हाँ मैं आपको बताना भूल गई,
बापूजी महालक्ष्मी माता के दर्शन के लिए दाड़ू गए हैं, कल सुबह आएंगे। अरे कैसे दूध पी रहा है टप्पू, दूध की पूरी मूछ हो गई, शांति से पी। बिल्कुल आग पे गया है। इसकी दूध की मूछ होती है और आपकी आमरस की मूछ होती है। क्या बोल रही है? अरे आप कैसे आमरस पीते हो? पीते पीते पूरे शर्ट पर आमरस का अभिषेक हो जाता है। चल चल, कुछ भी फेंक रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, फोटो है मेरे पास। हाँ, दिखा दिखा मम्मी। अरे नहीं, ऐसी कोई फोटो नहीं, तू जा भाई, तू जा, खेल खेल जा। ओके, बाय पापा, बाय मम्मी, बाय। संभल के दिखा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची में है फोटो मेरे पास। किसने कभी खींची फोटो? सुंदर वीरा ने। कभी? याद है एक बार सुंदर यहाँ था तो मैंने रस पूरी बनाए थे और आप कटोरे में से रस ऐसे सबर 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 पी रहे थे। आपने तो रस पिया, साथ में शर्ट को भी रस पिलाया और तभी सुंदर वीरा ने चुपके से आपकी फोटो खींच ली थी, याद कीजिए। सबर के सब नीचे गिर रहा है रस। अरे टप्पू के पापा धीरे धीरे सब कपड़े बिगड़ रहे हैं। अरे टप्पू तो टप्पू, टप्पू के पापा भी। वाह, मजा आ गया। आया ना, याद आया ना, बस तो वो फोटो है मेरे पास, दिखाओ। मुझे कोई फोटो नहीं देखनी है। देखिए ना, आप उसमें बहुत प्यारे लग रहे हो। एक गोटली देखो ना फोटो। तू दे। अरे बाजू हट, मुझे दुकान जाने में देर हो रही है, जाने दे, चल। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये माधवी कितने कपड़े हैं ये? मैंने गिने नहीं। माधवी मैं फ्री में इस्त्री करता हूँ बोल के तुम आजू बाजू वाले से कपड़े तो नहीं लेके आए ना इसमें? नहीं हो, अपने ही है और थोड़े और है। अरे कल आपकी छुट्टी बस। हो गया कि नहीं तेरा? नहीं, कहाँ हुआ उसका, कब से मोबाइल पे गेम खेल रही है और ही करके हंस रही है। जरा घर के काम का सीखो। बाबा मुझे तो ये घर के काम नहीं करने, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। नहीं नहीं, पढ़ना तो तुम्हें है ही सोनू, मैं तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगा, तुम ग्रेजुएट बनो, डबल ग्रेजुएट बनो। अरे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लड़कियों को लड़कों से ज्यादा पढ़ना चाहिए ताकि समाज में इज्जत के साथ जीना आ सके। हा? लेकिन साथ में घर के काम का सीखने चाहिए बेटा, क्या है उससे स्वावलंबन आता है। हा? अभी देखो ना, हमारे जमाने में स्त्री करना सीखा था वो आज कितना काम आ रहा है देखो। सत्यानाश। बोला ना कहीं तेरी। अरे सुनू क्या कर दिया तुमने, मैंने कल ही इसको नई सिरोली चिपकाई थी, अभी वापस नई चिपकानी पड़ेगी। ओ, उससे अच्छा नया मोबाइल ले लीजिए ना। क्या जरूरत है माधवी, जब तक जो चीज चल रही है उसको चलाना चाहिए। अरे हमारे जमाने में आपके जमाने की गेम्स है इसमें सोनू। हाँ, इनको बोलकर कोई फायदा नहीं है। एक दिन म्यूजियम वाले आएंगे और एंटिक पीस समझकर लेके जाएंगे ना, तब इनको पता चलेगा। मैं एंटिक पीस? ओह मोबाइल। सोनू मैंने गैस में दूध रखा है, जरा जा तो देख। काम कर जरा। करते करते। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? हे हे नहीं, हाँ नया मोबाइल। तो यही तो मैं कहती हूँ कि अच्छे कंपनी का मोबाइल लो ताकि 2-3 साल तक चले। क्या जरूरत है माधवी, ये सिर्फ 1000 का मोबाइल है और पिछले 1 साल से चल रहा है और 6 महीना चलेगा। माधवी मोबाइल का गणित तुमको मैं समझाता हूँ। क्या है कि 6000 का मोबाइल लो तो भी वो 2-3 साल चलता है और 1000 का मोबाइल लो तो भी वो 2-3 साल चलता है, तो 6000 का मोबाइल लेके 2 साल तक चलाने से अच्छा है 1000 के 6 मोबाइल ले लो। ये सब गणित आपको कौन सिखाता है? अनुराग। हा? एक और मेरा एक दोस्त है। आपके दोस्त भी आपके जैसे ही है। मैं क्या कहती हूँ, अब जेठा भाई के पास से नया मोबाइल ले लीजिए ना,
ये सेलो टेप से चिपकाया मोबाइल ऐसे लगता है जैसे सिक्के से भरी हुई प्लास्टिक की थैली लेकर घूम रहे हो। ले लीजिए ना। अगर मुझे नया मोबाइल लेना ही है तो मैं जेठालाल के पास क्यों जाऊं? अरे उसमें हमारा ही फायदा है, एक तो जेठा भाई अच्छा ही मोबाइल देंगे और ऊपर से मार्केट से कम भाव में मिलेगा। कहीं नहीं, ये पक्का व्यापारी मानुस है, तो पक्का बिजनेसमैन है, वो अपना फायदा जरूर देखेगा। तो आपको क्या फुकट में चाहिए? हम भी अचार पापड़ बेचते हैं, तो हम भी हमारा फायदा देखते हैं ना। फिर भी माधवी, बिना दाल के पापड़ बन सकते हैं, बिना आम का अचार बन सकता है, दरअसल बिना फायदे का धंधा हो ही नहीं सकता। और फिर भी जेठा भाई अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। बोलिए, जाएंगे? ये जेठालाल मुझे नक्की महंगे से महंगे मोबाइल दिखाएगा और मुझे चाहिए सबसे सस्ता वाला मोबाइल। ये बात मैं माधवी को कैसे समझाऊं? दोस्तों, दूध और नींबू साथ नहीं रखे जा सकते, आग और पेट्रोल दोनों का मिलन संभव नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे मित्र जेठालाल और भिड़े, इन दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल का काम है साहब। एक है कबड्डी का प्लेयर, दूसरा है क्रिकेट का प्लेयर। अब आप सोचिए अगर ये दोनों मिल जाए तो कौन सा खेल होगा। भाई बड़ी मासूमियत से माधवी भाभी ने भिड़े को कह तो दिया कि भाई ये मोबाइल जेठालाल से ले आइए जाके, लेकिन आप सोचिए क्या होने वाला है। 2020 मैच में अगर दो जानी दुश्मन टीम एक दूसरे के सामने हो तो भाई चौके छक्के की बरसात तो होगी होगी। और ये दोनों तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बिजली के दो तार, आपस में मिल जाए तो कितने धमाके होंगे। सोचिए, अब ये भी सोचिए कि भिड़े ये मोबाइल फोन लेते हैं या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि भिड़े जब जेठालाल से मिलेंगे तो भाई क्या क्या होने वाला है। आप कुछ सोच सकते हैं, मैं जानता हूं आप अभी से हंस रहे हैं कि भाई ये धमाके होंगे तो कितने बड़े होंगे। बहुत सारे धमाके, बहुत सारे ठहाके इस कहानी में। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.